नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज किस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टैग पर। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप झारखंड में रहते हो और दोस्तों आपने 10th क्लास पास कर ली है, 12th क्लास पास कर ली है, या दोस्तों आपने ग्रेजुएशन भी पास कर ली है, आप दोस्तों टीचर भी हो यानी कि आप पढ़ाने जाते हो, या अगर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है वो दोस्तों कोई मैटर नहीं करता है, आपने दोस्तों कुछ भी तो कर लिया यार, इवन 10th पास तो कर लिया है, तभी दोस्तों आप कैसे अपने जो मतलब भर्ती देख सकते हो। दोस्तों एक यहाँ पे न्यूज़ सामने निकल के आई है जिसमें अगर आप जाते हो दोस्तों वो भर्ती कैंप है दोस्तों, उसमें आप जाते हो तो आपका दोस्तों सिलेक्शन निश्चित होना बिल्कुल तय है। दोस्तों आप जानना चाहते हो इस पूरी न्यूज़ के बारे में तो हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी नई नई वीडियो और देखने के लिए जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब बटन मिल जाता है, आपको उस वाले बटन को यहाँ पे दबा देना है और जैसे आप उस वाले बटन को दबाओगे सामने में घंटा बेल आइकन आपके सामने निकल के आ जाता है, आपको उस बेल आइकन को यहाँ पे ऑन कर देना है। दोस्तों बेल आइकन को ऑन करने से आपका फायदा ये होने वाला है मैं फ्यूचर में जब भी नई नई वीडियो लेके आऊंगा अपने चैनल पे स्पेशल टैग पे आपके पास उन सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप जा रहे हो भर्ती कैंप में या फिर नहीं जा रहे हो, आपने कौन कौन सी मतलब भर्ती देखोगे तो कौन सी क्लास से भर्ती देखने वाले हो, इस चीज़ को भी मुझे जरूर से कमेंट में मेंशन कर देना, मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों आप एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नई जॉब से रिलेटेड और जानकारी चाहते हो और वीडियो देखना चाहते हो जो भी मतलब लेटेस्ट न्यूज आए आपके पास, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए तो आपको जोर से दोस्तों ऑन बेल आइकन को आपको जोर से ऑन करके रखना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले तभी देख पाओगे। और दोस्तों इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग सके कि भर्ती कैंप चल रहा है, वो भी दोस्तों भर्ती जाके देख सकें। तो वीडियो कम समय ना गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल में और दोस्तों गूगल में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो झारखंड रोजगार .nic.in, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हो। दोस्तों वेबसाइट जाने के बाद आपको दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, आपको थोड़ा नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हुआ है, भर्ती कैंप रामगढ़ डेट 29/6/2018। मैं दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले आपको, केवल दोस्तों झारखंड स्टेट के ही बच्चे यहाँ पे भर्ती देख सकते हैं, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे भर्ती नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पे जिले में अलग अलग जिले से लड़के आ सकते हैं। दोस्तों रामगढ़ में भर्ती होने वाली है, डेट दोस्तों क्या है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, 29/6/2018 को आप रामगढ़ आइए। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी आपको क्या करना है, भर्ती कैंप रामगढ़ डेटेड 29/6/2018 इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, दोस्तों PDF फाइल है, दोस्तों PDF फाइल हमारे सामने डाउनलोड हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिख रहा है दोस्तों 29/6/2018 को पूर्वाह्न 10:30 यानी कि 10:30 से और शाम को 3 तक स्थानीय जिला नियोजालय रामगढ़ परिसर में किया जा रहा है, यानी कि रामगढ़ परिसर है। दोस्तों आप वहां पे रहते हो झारखंड में तो आपको जरूर से पता होगा कि रामगढ़ परिसर है, वहां पे आप दोस्तों जाइए और भर्ती जरूर से हो जाइए 29/6/2018 को दोस्तों 10:30 से 3 तक, दोस्तों ध्यान बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों डिटेल वाइज आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दोस्तों यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ सभी को, अगर दोस्तों मैं सभी को बताने लगा तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मगर दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों कम से कम यहाँ पे 8वीं पास है और दोस्तों ज़्यादा ग्रेजुएशन यहाँ पे आप देख सकते हो, 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, BCom भी है दोस्तों सबसे ऊपर, अकाउंटेंट की जगह है वो दोस्तों BCom है वहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है मेला के दिन स्थानीय नियोजालय पर निबंधन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर से ऑन करके आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।